नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। विक्रमशिला सेतु के जगतपुर के समीप हुआ भीषण सड़क हादसा, बच्ची समेत 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। मालदा रेल मंडल के डीआरएम यतेंद्र कुमार पहुंचे भागलपुर स्टेशन, सहित विभिन्न विभागों का किया निरीक्षण। पार्ट 3 परीक्षा की तिथि बढ़ाए जाने को लेकर छात्रों ने किया हंगामा, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। 4 दिवसीय भागलपुर रंग महोत्सव का हुआ उद्घाटन, मणिपुर से आए कलाकारों ने अपने कला का किया प्रदर्शन। और बांका के अमरपुर में 2 जगहों पर हुए सड़क हादसे में वृद्ध की हुई मौत, आक्रोशित लोगों ने किया जमकर हंगामा। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर विक्रमशिला पुल पहुंच पथ जगतपुर के समीप तेज रफ्तार अनियंत्रित हाईवा ने बाइक सवार को रौंद डाला। घटना में बाइक पर सवार महिला, पुरुष एवं बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH को जाम कर दिया। मृतक की पहचान पूर्णिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद शहनबाज, बीबी बुशरा खातून और 8 वर्षीय बच्ची ताइया खातून के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि साकुंड के जोड़ाखर गांव स्थित मायके से बुशरा खातून अपने देवर और बच्ची के साथ बाइक से ससुराल जा रही थी। इसी दौरान जगतपुर के समीप तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक में ठोकर मार दिया, जिससे बाइक सवार 3 लोग असंतुलित होकर नीचे गिर गया और हाईवा 3 को रौंदते हुए फरार हो गया। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची परबत्ता पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने 3 के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ऐसे हुआ कि एक बाइक से आ रहा था जो कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, ये जा रहा था वहाँ पे, तो अचानक कोई बाइक ये ट्रक धक्का मार के निकल गया, जिससे कि उसका ब्रेन पूरा खत्म हो गया, ये प्लॉटेड यहीं कर गया है। तो हम सब देखे कहाँ पे ये घटना हुई। ये घटना हुई है लगभग 1 घंटा तो नहीं, 1.5 घंटा जरूर हो गया है। ठीक है, ये 1.5 घंटा जरूर हो गया है, ये धक्का मार के निकल गया, प्रशासन भी अभी आया है। मालदा रेल मंडल के DRM यतेंद्र कुमार बुधवार को भागलपुर पहुंचे, स्टेशन परिसर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। उसके बाद वॉशिंग पीट, यार्ड, इंजीनियरिंग विभाग, एस्केलेटर सहित कई जगहों का निरीक्षण किया। वहीं DRM ने रेलवे अधिकारियों को स्टेशन परिसर को स्वच्छ रखने एवं यात्रियों के बीच जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। DRM ने कहा कि जल्द ही भागलपुर स्टेशन नया लुक में दिखेगा, इसके लिए तेजी से कार्य चल रहा है। DRM ने स्टेशन परिसर में अच्छी सफाई व्यवस्था को देखकर रेलवे कर्मी अख्तर हुसैन, GK झा और स्टेशन अधीक्षक समर कुमार सिंह को पुरस्कृत किया। निरीक्षण के दौरान रेलवे के कई अधिकारी मौजूद थे। हफ्ते आए थे वो स्टेशन का ही किया था, दूसरे लाइन का। आज यहाँ से अपना धनौरी तक इंस्पेक्शन निरीक्षण किया बाकी स्टेशनों का, और जो यहाँ के बच्चे हुए जो मेन डिपो जो और हमारे ऑफिस हैं जो यहाँ पर यूनिट्स हैं, जैसे ट्रेन वॉशिंग लाइन और बाकी जो रनिंग रूम वगैरह जो हमारे क्या ड्राइवर्स और जो फैसिलिटीज़ हैं उनका निरीक्षण नहीं किया था पिछले दिन, तो वो आज डिटेल इंस्पेक्शन कर। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में BA पार्ट 3 की परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने को लेकर काफी संख्या में छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां छात्रों ने परीक्षा तिथि बढ़ाए जाने को लेकर जमकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना था कि बिना सिलेबस पूरा किए विश्वविद्यालय ने जनवरी में परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। छात्रों ने बताया कि सितंबर माह में नामांकन हुआ है और बड़ी में परीक्षा ली जाएगी, तो उससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बिना सिलेबस पूरा किए विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा नहीं ले, नहीं तो आगे आंदोलन किया जाएगा। उनका डिमांड भी यही था, लेकिन अब इधर बढ़ा दिए हैं कि हमको मई जून परीक्षा ली जाए, तो सत्र पूरा नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम कुलपति से वार्ता करेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ऊपर से गवर्नर का भी निर्देश रहता है कि परीक्षा टाइमली लीजिए, ताकि लड़के समय पर, कुछ बाहर जाते हैं, कुछ PG में एडमिशन लेते हैं और कुछ नौकरी भी पकड़ते हैं, तो अगर डिले कीजिएगा तो इसमें दिक्कत होगी। वो महामहिम के जो द्वारा जो गजट है एग्जामिनेशन कैलेंडर, उसके अनुसार परीक्षा लेगा। हमारे हाथ में घटाना बढ़ाना नहीं रहा।
अब संस्कृति के खिलाफ रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित 8वां भागलपुर रंग महोत्सव की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। बुधवार को स्थानीय कला केंद्र में महोत्सव का उद्घाटन शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के दौरान मणिपुर से आए कलाकारों ने अभ्यास स्वरूप अपने कला का प्रदर्शन किया। वहीं 4 दिनों तक चलने वाले रंग महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से भागलपुर पहुंचे कलाकारों के द्वारा लोक नृत्य, समूह नृत्य, नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी जाएगी। इस मौके पर निदेशक कपिल देव रंग, संयोजक दीपक मंडल, तरुण घोष, श्वेता सिंह, जिया गोस्वामी, राम शरण, शिशुपाल भारती, मीडिया प्रभारी धीरज शर्मा सहित आयोजन समिति के सदस्य मौजूद थे। साइड में जलोयालम आर्ट एंड कल्चर इंस्टीट्यूट खुम्बोगा आर्टिस्ट लोग भी है। मैं तो ग्रुप का लीडर है। हम लोग भागलपुर जमात शॉर्ट फेस्टिवल में हम लोग परफॉर्मेंस देने के लिए आए हैं। यह कार्यक्रम विगत 7 वर्षों से हो रहा है, 8वां वर्ष है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता, रंग कर्म और लोक कर्म, जो हमारी कलाएं पिछड़ रही है उस कलाओं का संवर्धन करना उद्देश्य है। आज रंग महोत्सव का पहला दिन है, जो कि आज यहाँ पे उद्घाटन सत्र है। 16 राज्य के कलाकार लोग आकर यहाँ पे अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और ये रंग महोत्सव अगले 8 सालों से लगातार चलते आ रहा है और आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और मैं इस कार्यक्रम को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। भागलपुर का रंग महोत्सव बहुत ही शानदार कार्यक्रम होता है। बांका के अमरपुर में बुधवार को 2 अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल अमरपुर बांका मुख्य मार्ग खेमीचक गांव के समीप तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने एक वृद्ध को रौंद डाला। घटना में व्यक्ति की मौत मौके पर ही हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक के खलासी अरविंद कुमार एवं नकुल कुमार को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने पहले दोनों की जमकर पिटाई की, उसके बाद घटना की सूचना अमरपुर थाना को दी। इस दौरान ग्रामीणों ने मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं घटना के 1 घंटे बाद मौके पर पहुंचे सीओ सुनील कुमार शाह, थानाध्यक्ष कुमार सन्नी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर मामला शांत कराया। वहीं पुलिस ने ट्रक को जब्त करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान धोरैया थाना क्षेत्र के सेंचक गांव निवासी बाबूलाल पासवान के रूप में हुई है। वहीं दूसरी घटना अमरपुर के इंग्लिश मोड़ के समीप ओवरलोड ट्रक ने बाइक सवार को ठोकर मार दिया। घटना में बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि बाइक चालक बाल बाल बच गया। हम आपको बता दें कि नो एंट्री के दौरान ओवरलोड गाड़ियां अमरपुर में धड़ल्ले से चल रहा है, जिसको रोकने में अमरपुर पुलिस पूरी तरह से विफल है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिलेक्ट टीवी। हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों के आते ही तिवतन पोटाला मार्केट भागलपुर के तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर में खुल चुका है। यहाँ हर तरह के गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, साल, कंबल, टोपी, मॉफलर उचित कीमत पर उपलब्ध है। महिला, पुरुष एवं बच्चे के लिए बेहतरीन क्वालिटी एवं एक से एक डिजाइन में गर्म कपड़ों की रेंज उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही चले आइए तिवतन पोटाला मार्केट तिलका मांझी कठलबाड़ी नियर आदित्य विजन भागलपुर। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो। अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी।
बीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542931524 6200102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिल्क टीवी, आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के आनंद राम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में बुधवार को विभाग स्तरीय स्वरांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर एवं बांका के 24 विद्यालयों के 400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। बाल कलाकारों के द्वारा एकल गीत, समूह गीत, वादन, नृत्य, नाटक की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। वहीं सामाजिक सरोकार विषय पर आधारित नाटक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, शास्त्रीय संगीत एवं भरतनाट्यम की शानदार प्रस्तुति से पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से उठा। बाल कलाकारों ने स्वरांजलि कार्यक्रम में सतरंगी छटा बिखेर दी। इसके पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा, उपमहापौर राजेश वर्मा, विभाग प्रचारक बीरेंद्र कुमार, विभाग प्रमुख बजरंगी प्रसाद बीरेंद्र कुमार एवं लक्ष्मी नारायण डोकनिया ने संयुक्त रूप से किया। वहीं स्वरांजलि कार्यक्रम में विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर रविशंकर पांडे, आचार्य भीष्म मोहन झा, अशोक कुमार, मीडिया प्रभारी पंकज उपाध्याय मौजूद थे। विभागीय स्वरांजलि कार्यक्रम का आयोजन आनंद राम ढंडानिया सरस्वती विद्या मंदिर में किया गया, जिसमें शिक्षा के साथ साथ बच्चों के अंदर कैसे हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कैसे बच्चों को और आगे बढ़ाएं, इसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर और बांका के जितने विद्या भारती के बच्चे, उन्होंने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। और जो भी बच्चे बेहतर करेंगे, जो भी बच्चों जिसके अंदर जो कला है उस कला को निखारने के लिए जो बच्चे बेहतर करेंगे, उनको प्रदेश स्तर तक का मंच विद्या भारती के द्वारा दिया जाएगा। अवैध होर्डिंग्स को लेकर नगर निगम का अभियान तीसरे दिन भी जारी रहा। निगम कर्मियों ने शहर में लगे अवैध होर्डिंग्स को जब्त कर लिया। दरअसल अवैध होर्डिंग्स के कारण भागलपुर नगर निगम को राजस्व की क्षति हो रही थी, साथ ही बिना प्लानिंग के लगाए गए होर्डिंग्स के कारण शहर की सूरत भी बिगड़ गई है, जिसको देखते हुए निगम प्रशासन ने होर्डिंग्स हटाओ अभियान की शुरुआत की है। बुधवार को आदमपुर इलाके से होर्डिंग्स को हटाया गया। विक्रमशिला पुल से मानसिक रोग से ग्रसित महिला ने छलांग लगा दी। घटना में महिला को गंभीर चोटें आई है। महिला की पहचान सुल्तानगंज निवासी मंजुला देवी के रूप में हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने महिला द्वारा पुल से छलांग लगाए जाने की सूचना बरारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची बरारी पुलिस ने महिला को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुरुष नसबंदी पखवाड़ा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ निकाला गया। नाथनगर रेफरल अस्पताल परिसर से अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अंजना कुमारी के नेतृत्व में BCM किरण कुमारी एवं संकल्प ज्योति संस्था के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सौरभ साकेत ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर सारथी रथ को रवाना किया। इस दौरान डॉक्टर अंजना कुमारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सारथी रथ निकाला गया है। इस अवसर पर रामपुर खुर्द पंचायत की वार्ड सदस्य पुष्पम कुमारी, गोविंद कुमार शर्मा, सौरभ आनंद सहित काफी संख्या में आशा वार्ड सदस्य एवं ग्रामीण मौजूद थे। सारथी रथ निकाला गया है, ये पुरुष नसबंदी के लिए है, महिला नसबंदी के लिए नहीं है। पुरुष नसबंदी के लिए क्षेत्र में जाके प्रचार प्रसार के लिए और IC मटेरियल के साथ में कुछ लोग आए हुए हैं, जो कि BCM ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर के साथ में घूम घूम करके डिफरेंट जगह पे जहाँ दिया गया है नाथनगर प्रखंड में, वहाँ वहाँ ये लोग घूम करके प्रचार करेंगे, जैसे नूरपुर, बिशन रामपुर, गौरा चौकी। कहलगांव के सनहौला प्रखंड के 9 पंचायतों में 9 दिसंबर को पैक्स चुनाव होगा। बुधवार को चुनाव नामांकन के दूसरे दिन प्रखंड परिसर में प्रत्याशी और समर्थकों की भीड़ उमड़ी रही। वंशीपुर बेला से अध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद बिलाल अहमद, घुआबे से विपिन बिहारी सिंह, राजीव कुमार सिंह, मुकेश कुमार सिंह, सकरामा से प्रदीप कुमार, श्रीमतपुर से विपिन कुमार मंडल और मदारगंज से शमशेर कुमार सिंह ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं सदस्य पद के लिए 35 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। इस दौरान समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया और लोग अपने प्रत्याशी के पक्ष में जमकर नारेबाजी करते दिखे। मेरे जीतने के बाद मेरे पंचायत के जितने भी किसान भाई बंधु हैं, उनको सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं चल रही है उसको धरातल जमीन पर लाकर किसानों के सम्मान हेतु, किसानों को
लाभ देने का काम करेंगे किसान को, जैसे कि सब्सिडी पे बीज, सब्सिडी पे खाद, किसान का जो धान का क्रय नहीं हो पाती थी पूर्व में, वो हमने पैक्स के द्वारा धान खरीद कर सरकार को देने का काम करेंगे। मेरा फर्स्ट मुद्दा रहेगा किसान को लाभ दिलाना, उनसे आ जाएगा जहाँ तक होगा हम अपने तरफ से मदद करेंगे। कहलगांव अनुमंडल के रसलपुर थाना क्षेत्र स्थित चन्नो पंचायत भवन में बुधवार को किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड प्रशिक्षक प्रबंधक त्रिभुवन नारायण सिंह ने की। किसान चौपाल को संबोधित करते हुए त्रिभुवन नारायण सिंह ने कहा कि किसानों की समस्या एवं कृषि संबंधित जानकारी के लिए चौपाल का आयोजन किया गया है। वहीं प्रखंड उद्यान पदाधिकारी सह कृषि समन्वयक पंकज कुमार ने जलवायु परिवर्तन, जल जीवन हरियाली, पशुपालन, समेकित कृषि, फल एवं सब्जी के उत्पादन को लेकर किसानों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर किसान सलाहकार मधुकर कुमार, शंभु सिंह, गौतम चौबे सहित काफी संख्या में किसान मौजूद थे। कहलगांव के सनोखर थाना क्षेत्र स्थित बेलडीहा गांव में बुधवार की सुबह अचानक गहरे कुएं में गाय का बछड़ा गिर गया। काफी देर तक कुएं में रहने के कारण बछड़ा तेज आवाज लगाने लगा। तभी शौच के लिए जा रहे ग्रामीणों की नजर कुएं पर गई। लोगों ने कुएं के अंदर गाय के बछड़े को देखा, जिसके बाद काफी संख्या में ग्रामीण एकजुट हुए और रस्सी एवं सीढ़ी के सहारे रेस्क्यू कर बछड़े को कुएं से बाहर निकाला। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्ट्रा ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। विक्रमशिला सेतु के जगतपुर के समीप हुआ भीषण सड़क हादसा, बच्ची समेत 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। मालदा रेल मंडल के DRM यतेंद्र कुमार पहुंचे भागलपुर स्टेशन सहित विभिन्न विभागों का किया निरीक्षण। पार्ट 3 परीक्षा की तिथि बढ़ाए जाने को लेकर छात्रों ने किया हंगामा, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। 4 दिवसीय भागलपुर रंग महोत्सव का हुआ उद्घाटन, मणिपुर से आए कलाकारों ने अपने कला का किया प्रदर्शन। और बांका के अमरपुर में 2 जगहों पर हुए सड़क हादसे में वृद्ध की हुई मौत, आक्रोशित लोगों ने किया जमकर हंगामा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।